सो वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, सीक्रेट टिप। जी हाँ, बिल्कुल सीक्रेट टिप है। जाते जाते इस दोस्तों को भी शेयर कर जाना। तो भाई, सबसे पहले हम हीट सिंक को इससे अलग करेंगे स्क्रू ड्राइवर से। तो भाई जल्दी जल्दी इसे हम अलग कर लेते हैं। तो भाई सारे नट निकाल चुके हैं हम, इन्हें करते हैं इकट्ठा और करते हैं साइड में और लेके आते हैं अपनी पीसीबी। तो भाई 20-30 हमने हीट सिंक से अलग कर लिए हैं। अब बारी आती है इसे इसके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से अलग करने की। तो भाई करते हैं चारों चार। तो भाई सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी डी सोल्डरिंग वायर की, जो हमें चाहिए, ठीक है। और भाई दूसरी हमें चीज़ ये पता हो कि हमारी निब जो है सोल्डर की, वो बिल्कुल क्लीन और प्रॉपरली साफ हो, ताकि हमारी सोल्डरिंग अच्छे ध्यान से हटाई जा सके। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई सोच रहे होगे, भाई तू भी तो वही बता रहा जो सभी बताते हैं, निब क्लीन होनी चाहिए, ये क्या कहते हैं इसको, डी सोल्डरिंग वायर। लेकिन तूने क्या खास बताया है भाई, ये भी बता दे। तो भाई वीडियो बिना स्किप किए देखो ना, तो पता लगेगा ना। अगर स्किप कर करके देखोगे तो कैसे पता लगेगा कि वीडियो में है क्या। तो भाई वीडियो देखो पूरी, समझ जाओगे। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो, हम अपनी डी सोल्डरिंग वायर से टांके को हटाने की कोशिश में जा रहे हैं, लेकिन टांका है कि मानने को तैयार ही नहीं है। भाई देखो, भाई डी सोल्डरिंग वायर पे चिपक ही नहीं रहा। A few moments later. तो भाई अभी भी एक भी टांका नहीं उतरा है, आप देख सकते हो। Six and a half hours later. तो भाई इतने टाइम खराब करने के बाद मैंने अपना सीक्रेट तरीका बताने का सोच लिया है। तो भाई हम लेंगे फ्लक्स और फ्लक्स में अपनी डिसोल्डरिंग वायर को डुबोएंगे और उसके बाद करेंगे डिसोल्डरिंग फिर से स्टार्ट। तो भाई अब देखो इसका चमत्कार। तो भाई धुएं से ही पता लग रहा है, हाँ भाई भाई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर चल ही रहा है। तो भाई देखो, पहले हम 6.5 घंटे खराब करके आ चुके हैं, एक भी टांका नहीं उतरा। अब कुल मेरे हिसाब से 10 सेकंड में हमने 3 टांके वैसे ही बड़े प्यार से निकाल दिए। देखो भाई कितने प्यार से उसके ऊपर आ गए। भाई इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता, भाई टॉप सीक्रेट है, भाई सबको बताओ, भाई सीक्रेट नहीं रखना मुझे इसे। तो भाई हमने बस इसे निकाल ही लिया है तकरीबन। दोबारा फ्लक्स लगाते हैं इस पे। देखो भाई फ्लक्स लगाए का फायदा है भाई। तो भाई देख सकते हो जैसे हिल भी रहा है वो। देखो भाई निकल गया भाई, इतना आसान काम भाई, टॉप सीक्रेट था, हमने सबको बता दिया, बस आपकी दया है। शेयर कर दो सभी जगह, सबको बता दो कैसे निकलता है भाई आसान तरीके से। तो भाई देखो प्रिंट में भी इतना कुछ खास खराबी नहीं है, वो पहले से खराब था वो प्रिंट साइड में। तो भाई ये देखो
कैसे कितने अच्छे तरीके से इसने सोल्डरिंग अब्सॉर्ब किया। तो भाई हमने ये दो आईसी भी इसी मेथड से निकाली है, बहुत ही आराम से निकल गई भाई। और भाई प्रिंट देख सकते हो भाई, ख़राब नहीं हुआ, ये पहले से ख़राब था ये, बाकी जो प्रिंट ख़राब हुआ है भाई सही है भाई। कर दो शेयर जाके सबको बता।